वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ टुक टुक और दीदी देख रहे हैं मोटू पतलू सुबह सुबह उठकर, इधर मम्मा चाय के बर्तन क्लीन कर रही हैं, बन रहा है नाश्ते में इडली। तो ये है हमारा एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दही और ये है सूजी। तो दही और सूजी हम आपस में मिला लेंगे। ये आधा किलो वाला सूजी का पैकेट है, मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, वरना सारा मैंने इसमें इस तरीके से डाल दिया था। तो अब इसको हम चम्मच की सहायता से चलाएंगे। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा दिखे आपको तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो मैं गरम बॉयल पानी डालती हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मैं डाल के अपने हिसाब से इसको मैं फेंट लूँगी अच्छे से। अब इसके बाद इसको हम लोग ढक करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो 2 घंटे बाद आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा, दही और जो सूजी है इडली का जो मैंने बनाया हुआ है मिश्रण, तो देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो अब इसमें हम लोग नमक का ऐड करेंगे स्वादानुसार, कुछ इस तरीके से अच्छे से चारों तरफ से हम इसको नमक डालने के बाद अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि नमक सूजी में मिल जाए अच्छे से। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसमें इनो मिलाएंगे सर फ्रेंड, जो मार्केट में इजीली आपको 8 रुपए की 9 रुपए का पाउच मिलता है इनो का, वही मैं एक पूरा पाउच इसमें ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको उसमें मिलाना है। फिर उसके बाद हम लोग इसको फिर से मिला लेंगे कैचुल की सहायता से। जब ये अच्छे से मिल जाएगा फ्रेंड्स, कम से कम 5 मिनट हमें ऐसे ही मिलाते रहना है इनो डालने के बाद। तो ये है इडली के सांचा, तो मैं इसमें इडली बनाऊंगी। तो इसके लिए मुझे एक बाउल में तेल चाहिए और मैं इडली के सांचे के सारे सांचों में इस तरीके से ऑयल लगाती जाऊंगी। उसके बाद ये मैंने पनीर लिया क्योंकि मैं स्टफ़ वाला इडली बनाऊंगी, मतलब पनीर भर के। तो इस तरीके से आपको बनाना है, थोड़ा थोड़ा घोल डाल देना है, फिर उसमें पनीर के स्लाइसेस रखने, फिर ऊपर से थोड़े उसमें घोल डाल देना है। तो इस तरीके से मैं सारे सांचों में इस तरह इडली भर लूँगी। फिर मैं इडली का सांचा जो कुकर आता है उसमें मैं पानी लूँगी। ये है इडली का सांचा का कुकर, तो इसमें 1 कटोरे में पानी डालूँगी। जो ये प्लेट्स हैं इडली के उसके नीचे सतह में पानी होना चाहिए फ्रेंड्स, देखिए। तो मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी केवल 10 मिनट्स के लिए। इधर हम इडली के लिए गड़ी की चटनी बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए गड़ी का पानी, जो एक छोटा गड़ी आता है उसमें जो पानी निकलता है उसे हम लोग ले लेंगे कटोरी में। और ये गड़ी आधी गड़ी है, आधी से थोड़ी ज़्यादा। तो उस गड़ी को इस तरीके से टुकड़े में हम काट लेंगे और मिक्सी जार में डाल लेंगे। और फिर ये मैंने नारियल पानी उसमें डाल दिया है। फिर आधी कटोरी हम लोग दही भी डालेंगे उसमें, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक चीनी डालना है हमें उसमें फ्रेंड्स, देखिए। उसके बाद फिर हमें इसको नींबू ऐड करना है। ये 1 बड़ा नींबू है, उसका रस मैंने लिया है, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो उसके बाद पीस लेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तब इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे हल्का सा। तो उसके बाद फिर हम लोग तड़के की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमें राई चाहिए, 1 मिर्च चाहिए और कड़ी पत्ता चाहिए। तो हम लोग कढ़ाई गर्म कर लेंगे क्योंकि हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं लेते, इसलिए 1 ही मिर्च यूज़ कर रहे हैं। तो कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तो इसमें हम राई डालेंगे फ्रेंड्स। तो राई जब चटकने लग जाएगा हमारा, तो इसमें हम ये लाल मिर्च खड़ी डाल देंगे 1। उसके बाद फिर इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। जब कड़ी पत्ता चटक जाएगा अच्छे से, तब इसके बाद हम लोग इसमें जो गड़ी हम लोगों ने पीसा हुआ है गड़ी की चटनी, वो इसमें हम डालेंगे। देखिए हमारा ये अच्छे से फ्राई हो गया कड़ी पत्ता। तो इसमें हम लोग ये गड़ी का जो गड़ी पीसे हुए थे चटनी बनाए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छे से तड़का दिया जाता है ताकि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप भी इस चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरीके से बहुत टेस्टी लगता है ये चटनी।
खाने में तो हमारी इधर इडली भी बन गई है। 10 मिनट्स में इडली बन के तैयार हो जाती है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखती है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्टफ़ी इडली बनी है। तो हम लोग इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद प्लेट्स में निकाल लेंगे। तो अब इडली को हम लोग फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डालेंगे हम लोग। फिर उसमें हम, जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तब उसमें हम लोग राई डालेंगे, राई का तड़का देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, जब राई चटक जाए, जब राई हमारी हो जाएगी तो इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे और कड़ी पत्ते को फ्राई करेंगे। आप इसमें मिर्चा भी डाल सकते हैं, अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसका भी छौंका दे सकते हैं आप इसमें। फिर इसमें हम ये जो इडली है वो डाल देंगे। देखिए इस तरीके से कढ़ाई में, उसके बाद कैचुल की सहायता से धीरे धीरे हम लोग इसको पलटेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमारी इडली बन के हो गई है रेडी। देखिए कितना स्वादिष्ट है ये इडली, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इधर मेरी बीच वाली सिस्टर के हस्बैंड आए हैं अन्नू के, तो भी इडली एंजॉय कर रहे हैं। इधर ये प्रिंसी हैं, ये सबसे छोटी हैं, ये तीसरे नंबर की बहन है, और वो भी इडली एंजॉय कर रही हैं। और बड़ा मेरा भाई है, तो सब मिल के इडली खा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बेल है और पपीता है। ये मेरी छोटी सिस्टर है जो बीच वाली अनु, उसके ससुराल से आया है। और ये आम है, पेड़ का आम है। ये भी मेरी जो बीच वाली सिस्टर है उसी के ससुराल से आया। हम तीन बहनें हैं, जिसमें हमारी, हम बड़े हैं और बीच वाली हैं, और ये छोटी सिस्टर है जो दिखा रही है। तो इधर बन रहा है लंच, बहुत ही सिंपल, क्योंकि जो हम लोगों का ब्रेकफास्ट था बहुत हैवी हो गया था, इडली खाए थे, तो सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी है। तो इधर टुक टुक को प्रिंसी खिला रही हैं खाना, और इधर रिद्धि अपना टीवी देखते हुए एंजॉय कर रही हैं लंच को। हेलो, तो आज काफ़ी काम हो गया, थक गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपसे बात करूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी कि मुझे लगता है मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए ये चीज़ें, कि क्या मैं ये राइट हूँ या नहीं हूँ राइट। तो अगर मैं राइट लगूँ या मेरी सोच आपको राइट लगे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि क्या मैं ये सही बोल रही हूँ। तो मेरी बहन के यहाँ से आम, पपीता और बेल आया था। मेरी बहन का वो ससुराल है, यहीं गोविंदपुर में ही है, प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद में ही, जो अब प्रयागराज नाम हो गया इलाहाबाद का, तो यही है। तो मेरी बहन की एक ननद भी है, मतलब जो उनके हस्बैंड है उनकी एक बहन और एक भाई है, मतलब वही दो ही लोग हैं केवल। तो ये आम, पपीता और जो बेल हमारे यहाँ आया, वो उनकी बहन के घर में भी गया था, जो कि यहीं झूसी में ही है उनका, उनकी बहन का ससुराल। तो वो यहाँ देने आए थे, तो वो यहाँ पे भी लेके आए। ऐसा अक्सर हुआ है कि लड़की के, जो लड़की का ससुराल होता है, अक्सर मायके से ससुराल देने का प्रचलन चला आया है, कि मायके से हर चीज़ें इंसान ससुराल में ज़्यादा से ज़्यादा देता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना होगा आपने, या कभी ऐसा जल्दी होता नहीं है कि लड़की के ससुराल से लड़की के मायके जाए सामान, ये बहुत कम होता होगा। क्या पता आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये तभी होता है जब एक बहू को उसकी सास अपनी बेटी समझने लगती है, जैसे कि अन्नू की सास ने किया। अन्नू की सास ने अपनी बेटी के यहाँ भी वही वही चीज भेजा जो अपनी बहू के यहाँ, मतलब यहाँ हमारे यहाँ अन्नू के यहाँ भेजा। सेम चीज उन्होंने पपीता, बेल, आम अपनी बेटी के घर भी भेजा, मतलब अपनी बेटी के ससुराल भी भेजा, और सेम चीज पपीता, आम और ये बेल अपनी बहू के मायके भी भेजा। तो रियल में बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें, कि हाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं कि देना, मतलब होता नहीं, कुछ लोग होते हैं लेना ही बस जानते हैं, कुछ देना नहीं, वो कहते हैं कि बेटी का ससुराल है वहाँ से ले क्या ये सब। अब ये सब नहीं रह गया है, अब समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। तो
कुछ पहले ऐसे भी होता था कि माँ बाप होते थे, लड़की के ससुराल जाते थे तो पानी नहीं पीते थे, अन्न नहीं खाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और इस समय वो देख रहे हैं कई चीजें चेंज हो रही हैं, तो अब सब कोई पानी वगैरह पीने लगे हैं, खाना खाने लगे हैं बेटियों को ससुराल में। तो मुझे लगता है ये भी नियम बदलना चाहिए कि सिर्फ ससुराल, लड़की के ससुराल देने वाला सिस्टम नहीं चलना चाहिए, लड़की के मायके में भी लड़की के ससुराल से अगर कोई चीज है देने लायक तो देना चाहिए। तो क्या मैं ये सही बोल रही हूँ, क्या मैं ये गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या मेरी सोच सही है कि नहीं है। बाकी अनु के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अनु मेरी बीच वाली सिस्टर है और मैं सबसे, मतलब सिस्टर में मैं बड़ी हूँ, मुझसे बड़ा मेरा भाई है और तीसरे नंबर वाली सिस्टर जो प्रिंसी है, आप देखते हैं अक्सर, तो ये है। बाकी अगर आपको मेरी सोच पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।